तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अगर हमारे पास इनकम प्रूफ नहीं है, अगर हम किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करते हैं, अगर हमारा कोई भी बिजनेस नहीं है तो हमें क्रेडिट कार्ड बैंक प्रोवाइड नहीं करती है। तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता है अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, जैसे कि अगर आप कंपनी में जॉब नहीं करते हो, अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, अगर आप ITR फिलअप नहीं करते हो तो भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे पास भी 5-6 बैंक के क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये जो 5-6 बैंक के क्रेडिट कार्ड है, वो हमें किस तरह से मिल गए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड इस कार्ड के फिलहाल अभी कितनी लिमिट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों आप सबको ये भी पता है कि हम ITR फिलअप वगैरह करते हैं हर साल, जैसे कि उसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बट हमने अभी तक ITR के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया है। जो भी हमें क्रेडिट कार्ड मिले हैं वो प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड मिले हैं, जैसे कि बैंक से हमें ऑफर आया था। ये जो क्रेडिट कार्ड हमें मिले हैं ये सारे प्री अप्रूवल ऑफर पे मिले हैं, जैसे कि हमें बैंक से कॉल वगैरह आया था कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो 10 वर्किंग डेज के अंदर आपके एड्रेस पे ये कार्ड जो है डिलीवर किया जाएगा। वैसे हमें ये क्रेडिट कार्ड मिल चुके हैं, एंड अगर आपके अकाउंट में भी आपको प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड के ऑफर चाहिए तो आपको किस तरीके से अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन वगैरह करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोगों के हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें घर बैठे इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक एप्लीकेशन है जैसे कि इंडिया बुज धनी, इसके ऊपर भी आप घर बैठे आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की मदद से आप घर बैठे लोन वगैरह ले सकते हो। तो उस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली वो एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह कीजिए और वहाँ पे KYC कीजिए और लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अगर आपको घर बैठे अपने मोबाइल से डिश का रिचार्ज करवाना है या मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपको फास्टैग का रिचार्ज करवाना है, अगर आपको इंश्योरेंस वगैरह लेना है या अगर आपको गैस बुकिंग वगैरह करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप फोन पे एप्लीकेशन से कर सकते हो। उस एप्लीकेशन का भी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम पहले बात करेंगे कि हमारे पास जो 6 क्रेडिट कार्ड है वो हमें किस तरह से मिल चुके थे, एंड उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके बैंक अकाउंट में आपको किस तरह से ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है उससे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो हमारा क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का बिजनेस सर्कल या फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है, उसका फोटो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो कार्ड हमें मिला था लगभग प्री अप्रूवल ऑफर पे मिला था। इस कार्ड की जो अभी लिमिट है लगभग 1,57,000 है। पहले जो हमें कार्ड की लिमिट मिली थी वो 1,00,000 रुपीज़ मिली थी, लिमिट इंक्रीज होकर 1,57,000 अभी हो गया है। दूसरे क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो ये फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जिसका फोटो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो क्रेडिट कार्ड है वो डायरेक्टली हमने फ्लिपकार्ट से अप्लाई किया था, जैसे कि हमें फ्लिपकार्ट पे खो रहा था कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, तो हमने वहाँ पे कुछ अपने बेसिक से डिटेल वहाँ पे फिलअप की थी, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दिया था कि आप किस तरह से फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो उस वीडियो का जो लिंक है यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वो भी वीडियो देख सकते हो। इस कार्ड की जो फिलहाल अभी लिमिट है वो 40,000 रुपीज़ है। तीसरे क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे ये RBL बैंक का मनी टैप क्रेडिट कार्ड है, उसका भी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस कार्ड को हमने मनी टैप एप्लीकेशन से अप्लाई किया था, तो इसको अप्लाई करने के टाइम भी हमें कुछ KYC डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट किए थे। अगर आपको RBL बैंक का मनी टैप क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक जो है यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है लगभग 52,000 अभी फिलहाल है। चौथे क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड है, ये भी हमें प्री अप्रूवल ऑफर पे ही मिला था। बैंक से हमें कॉल आया था कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, अगर आपको और एक क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप ले सकते हो, तो वैसे हमने यस कहा था, तो ये क्रेडिट कार्ड हमारे घर पे डिलीवर किया गया था। इस कार्ड की जो लिमिट है फिलहाल अभी 40,000 रुपीज़ ही है। तो पांचवे क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का प्लेटिनम रिवॉर्ड्स ये क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड को हमने कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई किया था, जैसे कि हमारे पास HDFC बैंक का एक क्रेडिट कार्ड था, उसके बेस पे यहाँ पे हमने इस कार्ड को अप्लाई किया था। एंड उस टाइम हमने अपने ओल्ड क्रेडिट कार्ड का फोटो वगैरह दिया था एंड KYC डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, जैसे कि हमारा कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, डायरेक्टली ये जो कार्ड है हमारे घर पे डिलीवर किया गया। तो इस कार्ड की लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले जो हमें लिमिट मिला था 29,000 का लिमिट मिला था, लेकिन अभी जो इस कार्ड का लिमिट इंक्रीज होकर 49,000 हो गया है। सिक्स नंबर के क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड है, ये भी कार्ड जो है हमें प्री अप्रूवल ऑफर पे मिला था। तो बैंक से हमें कॉल आया था कि अगर आपको और एक क्रेडिट कार्ड चाहिए तो अगर आपको लेना है तो आप बताइए, तो हमने यस कहा था, तो ये भी हमारे एड्रेस पे वो डिलीवर किया गया था। इस कार्ड की अगर लिमिट की बात करें तो इस कार्ड की जो लिमिट है लगभग 25,000 है। एक्सिस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है इसकी जो लिमिट है जल्दी इंक्रीज नहीं होती है, मिनिमम 6 मंथ के बाद ही एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है इंक्रीज हो जाती है।
तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे कि मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड है लेकिन मैंने एक भी क्रेडिट कार्ड जो है इनकम प्रूफ पे नहीं लिया है। सारे जो क्रेडिट कार्ड है मुझे प्रे अप्रूवल ऑफर पे ही मिले हैं। तो किस तरीके से मैंने अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन वगैरह की थी, कौन से टिप्स मैंने फॉलो किए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड चाहिए तो सबसे पहले तो आपको किसी भी प्राइवेट बैंक में अकाउंट को ओपन करना है, जैसे कि आप HDFC बैंक में ओपन कर सकते हो, एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में, या कोटक महिंद्रा बैंक में, या SBI में भी आप ओपन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूवल ऑफर मिल जाता है। दूसरे टिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको हायर वेरिएंट अकाउंट ओपन करना है, जैसे कि जब आप अकाउंट ओपन करने जाते हो तो वहाँ पे कुछ वेरिएंट रहते हैं अकाउंट के, जैसे कि जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है, सेविंग अकाउंट रहता है, सिल्वर सेविंग रहता है, गोल्ड अकाउंट रहता है, बहुत सारे अकाउंट रहते हैं। जैसे कि अगर आप हायर वेरिएंट अकाउंट ओपन करोगे ज़्यादा मेंटेनेंस वाला, तो आपके जो है क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड हो जाता है। तीसरे टिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन रखना है, जो भी आपका अकाउंट रहेगा, जिस भी वेरिएंट का आपका अकाउंट रहेगा, बैलेंस मेंटेन का एक सर्कुलर रहता है, अगर आप बैलेंस वगैरह मेंटेन करते हो तो आपको प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल जाता है। सिर्फ आपको बैलेंस मेंटेन ही नहीं करना है, जैसे कि आपको अपने बैंक अकाउंट से जैसे कि बिल पेड करना है, जैसे कि या आपको अपने डेबिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह करनी है, या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर वगैरह करना है, या किसी भी फ्यूल डलवाने गए तो आपको अपने डेबिट कार्ड से फ्यूल वगैरह डलवाना है, तो ऐसे आप अपने अकाउंट को यूज़ कीजिए। सिर्फ बैलेंस मेंटेन करने से आपको ऑफर वगैरह नहीं आते हैं। चौथे टिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बैंक के साथ अच्छा खासा रिलेशन बनाना है। रिलेशन यानी कि आपको बैंक में FD वगैरह ओपन करनी है, FD, RD या DMAT अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो अपने अकाउंट में तो आपको प्री अप्रूवल ऑफर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जल्दी बैंक आपको प्री अप्रूवल के ऑफर भी प्रोवाइड कर देता है। पांचवी टिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर जो है अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर जो है अच्छा हो तो डेफिनेटली आपको जल्दी बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑफर प्रोवाइड कर देता है। अगर आपका अभी तक सिबिल ही स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर आपका अभी तक कोई भी लोन शुरू ही नहीं हुआ है, तो भी आपको बैंक प्री अप्रूवल का ऑफर आ जाता है, बट उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं, मिनिमम 6 महीने बाद ही आपको ऑफर आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता है कि हमें FD के बेस पे भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी FD करते हो, अगर आप उसके बेस पे अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो एंड उसके बाद जब आप FD क्लोज करते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाता है। एंड अगर आप FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड लोगे तो आपको दोस्तों बता दें कि आपको प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं आता है। तो अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूवल ऑफर चाहिए तो आपको FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। इसमें नेक्स्ट टिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आपको ऑफर का वेट नहीं हो रहा है, अगर आपको कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे कि आपको बता दें कि आपको एक FD करनी है, FD के बेस पे आपको इजी तरीके से दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो उसमें भी कुछ प्रोसीजर वगैरह रहता है कार्ड टू कार्ड बेस पे आपको जब क्रेडिट कार्ड बनवाना हो तो आपको कौन सा चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ज़्यादा अमाउंट की FD करनी पड़ती है, जैसे कि COVID-19 की वजह से अब बैंक में कुछ पॉलिसीज वगैरह चेंज हो गई है। जैसे कि अगर एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो ओल्ड क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है आपके 75,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो। एंड दूसरे HDFC ICICI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे 60,000 की लिमिट उन्होंने तय की है। ओल्ड क्रेडिट कार्ड की आपकी जो लिमिट है 60,000 होनी चाहिए, तभी आप HDFC ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या SBI का आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो कार्ड टू कार्ड बेसिस पे। तो आप ज़्यादा अमाउंट की FD कीजिए, जैसे कि अगर आप 1,00,000 रुपीज़ की FD करते हो तो आपको 80% जो है लिमिट प्रोवाइड कर देता है। जब आप 6 महीने तक कार्ड को यूज़ करोगे उसके बाद आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आप इजीली कार्ड बनवा सकते हो, आप तुरंत नहीं बनवा सकते। नेक्स्ट टिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे ये भी कहते हैं कि हम जो है अच्छे खासे ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपीज़ तक का बैलेंस मेंटेन करते हैं, फिर भी हमारे अकाउंट में प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं आता है। तो उस सिचुएशन में एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो लोकेशन रहता है वो बैंक ने ब्लॉक किया रहता है। तो सबसे पहले तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो या कस्टमर केयर से भी आप बात कर सकते हो कि हमारा जो लोकेशन है वो बैंक ने ब्लॉक तो नहीं किया है। अगर आपका लोकेशन जो है बैंक ने ब्लॉक किया है तो उस लोकेशन पे आपको बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कर देता है। अगर आप इनकम प्रूफ भी बैंक को प्रोवाइड कर देते हो तो भी आपका कार्ड जो है डिक्लाइन बैंक करवा देते हैं। तो ये कुछ बेसिक से टिप्स आपको फॉलोअप करने हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड जल्दी मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो उसका रिप्लाई देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।